जैसे हमारा टॉपिक है एडर्न पॉइंट, एडर्न पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, जैसे एक्स टोपी या टोपोलॉजी स्पेस, या हम लिमिट पॉइंट में भी लिखेंगे लेट एक्स और टो क्या है हमारा टोपोलॉजी स्पेस है, जैसे एक्स और डी हमारा मैट्रिक्स में होता था मैट्रिक्स स्पेस, इस तरीके टोपोलॉजी में हमारा टो होता है, टो हमारा डिस्टेंस फंक्शन की तरह वर्क करता है, तो इसमें हमारा टो हो गया, हमारा ये हो गया टोपोलॉजी स्पेस। और ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, स्पेस का एक सबसेट है एक्स ए, एक्स स्पेस जो है हमारा एक्स उसका एक सबसेट है ए, आ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी स्मॉल एक्स हमने एक पॉइंट ले लिया किससे स्पेस से, इस सेट टू बी अडर्न पॉइंट, या उसे हम कहेंगे अडर्न पॉइंट या कॉन्टेक्ट पॉइंट किसे एक्स को, कब ऑफ ए इफ एवरी ओपन सेट, जो हमने हर एक ओपन सेट जो ये हमने टी ओपन सेट इसके निकाले थे, हर एक ओपन सेट कंटेन इन एक्स, हमारा हर एक ओपन सेट क्या सबसे पहले कंटेन होना चाहिए इन एक्स, कंटेन वन पॉइंट ऑफ ए, और एटलीस्ट ये क्या कंटेन करे वन पॉइंट ऑफ ए, ए के किसी एक पॉइंट को कंटेन करे, यानी कि जैसे हम यहाँ पे चेक करते ए बी सी डी के लिए, तो हमने ए को कंटेन करने वाले हम टी ओपन सेट निकालते थे, अब टी ओपन सेट जो निकालते थे तो उसमें हम क्या चेक करते थे ए के अलावा कोई पॉइंट कंटेन करता हो, बट यदि हमारा केवल ए पॉइंट ही कंटेन भी हो रहा है, जैसे हमारा ये हमारा लिमिट पॉइंट नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें इस वाले सबसेट जो ये ओपन सेट है इसमें हमारा ए के अलावा पॉइंट कंटेन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से लिमिट पॉइंट नहीं था, लेकिन क्योंकि इसमें ए कंटेन हो रहा है ए के अलावा पॉइंट चाहे कंटेन ना हो रहा हो, और हमारे जो पॉइंट जो ये सेट है ए उसके पॉइंट भी कंटेन हो रहे हैं आगे, तो किसी भी एक में भी हो जाएं, ऐसा नहीं कि सभी में हो, किसी एक में भी कंटेन हो रहे हैं आगे, तो हमारे हो रहे हैं ना बी डी, तो इस वजह से जो हमारा ए है वो लिमिट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ए हमारा क्या है यहाँ पे अडर्न्ट पॉइंट, इसी तरीके से बी भी हमारा अडर्न्ट पॉइंट हो जाएगा, लेकिन सी डी ई हमारे अडर्न्ट पॉइंट नहीं होंगे क्योंकि वो लिमिट पॉइंट है, उसे हम अडर्न्ट पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि लिमिट पॉइंट में अडर्न्ट पॉइंट जरूर होगा, लेकिन हर एक अडर्न्ट पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा ये जरूरी नहीं है, जैसा कि यहाँ पे सी डी ई क्या है हमारे अडर्न्ट पॉइंट भी है लिमिट पॉइंट भी है, लेकिन ए और बी अडर्न्ट पॉइंट है लिमिट पॉइंट नहीं है, तो कन्वर्स नॉट ट्रू होगा। तो इस तरीके से जैसे हमने लिमिट पॉइंट चेक करा था, सिमिलरली मैनर में हम अडर्न्ट पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, तो हमें यदि अडर्न्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के पता करना हो कैसे करेंगे, तो उसे हम सेम सिमिलरली लिमिट वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, जो जो पॉइंट हमारे लिमिट पॉइंट नहीं है वो हमारे क्या बनाएंगे अडर्न्ट पॉइंट बनाएंगे, कब बनाएंगे वो सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटलीस्ट वो पॉइंट कंटेन हो जाना चाहिए जो सेट में है, किसी भी एक टी ओपन सेट में जो हमारे ओपन सेट हैं किसी भी एक में ऐसा पॉइंट कंटेन हो जाए, क्योंकि हमारा इसमें ए कंटेन हो रहा है अदर देन एक्स, यानी कि अदर देन ए के भी ये लिमिट पॉइंट में होना चाहिए, लेकिन इसमें ए कंटेन हो रहा है इसे भी हम आगे प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी कंटेन हो रहा है, यहाँ पे बी और डी दोनों कंटेन हो गए, तो किसी भी एक ओपन सेट में क्योंकि हमारे पॉइंट कंटेन हो रहे हैं इस वजह से ए क्या हो जाता है हमारा अडर्न्ट पॉइंट। तो ये थी अडर्न्ट पॉइंट की डेफिनेशन।